अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग बस मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से। मैं बस अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ और आज की प्लानिंग ये है कि आरिज ने मुझे रात को ही कहा था कि मम्मा आप मेरे लिए केक बनाइएगा सुबह। और आज संडे, क्योंकि आप लोग को पता है कि वैसे तो मैं नॉर्मल डेज में जो है जाती हूँ स्कूल, और ये कि बस आज रात में ही जो है वो मुझे उन्होंने बुकिंग करवा दी थी कि मम्मा आपको सुबह उठ के जो है वो केक बनाना। तो ये है कि मैं आरिज के लिए केक जल्दी से बीट वगैरह कर लूँ, फिर वो उठ जाएंगे तो वो हर चीज़ को टच करते हैं, उनकी हैबिट है ये। और ये है कि बच्चे शौक से खा लेते हैं, तो ये है कि बार बार फिर केक भी बनाना पड़ता है, और जब ऑर्डर के लिए केक आता है ना तो मैं उनके लिए नहीं बनाती, मैं थक इतना जाती हूँ। तो ये होता है कि बस आरिज मैं बाद में बना दूँगी। तो ये है कि आइए चलते हैं केक बनाते हैं, फिर देखते हैं आगे की आज क्या प्लानिंग। तो आरिज यहाँ पे हो चुके हैं रेडी। अरु क्या कर रहे हो आरिज? खड़ो के तो दिखाओ, अच्छा स्टैंड अप होके दिखाओ 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 दिखाओ। कहाँ जाने के लिए रेडी हुए हो आप? ऐसे ही बस घर के लिए? हाँ। आरिज के लिए आपको क्या देखना है? देखे। अच्छा आप गोदिया कैसे देखोगे आप? हाँ। अच्छा बने, अच्छा बने। कौन गाएगा ये? आरू खाएगा मेरा? अच्छा मैं निकालू आरू के लिए चाय निकालू? हाँ हाँ बोलता है। हाँ, इधर देखे तो बोलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। तो ये देखें फ्रेंड्स, आज मैंने आरिज के लिए केक बना ही लिया, अब हम ये केक एंजॉय करेंगे। यम्मी। अरे कट करूं? हाँ। इतना चॉप चॉप है। क्या हो रहा है? इतना चॉप 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 हो रहा है? चलो पहले तो मैं अपने बेटे को दूंगी, प्लीज मेरा बेटा खाएगा। कब से मेरे मुन्ने को खाना और था। खाऊंगा। देखिए कितना जबरदस्त। आरिज बहुत गर्म हो रहा है। आरिज खराब हो जाएगा बेटा, देखिए ये लो। चॉकलेट भी बहुत है, और ले लेना आप। ठीक है चलो चाय में डिप करो। देखो गिराना नहीं, उनके लिए बनाया था ना पैसे के लग ले। बहुत अच्छा बना है। मम्मा को थैंक यू तो बोल दो। थैंक यू। मैंने ना इसको पीसेस में कट कर दिया है, वरना ये सारा आरेज और मैं ही खा जाएंगे, और ये और सब के लिए तो बचेगा ही नहीं। तो मैंने आरू नहीं आरू 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 उसको आप वेस्ट मत करना, खा लेना पूरा, वरना ये सारा जो है ना अभी हम दोनों ही खा लेंगे, इसलिए मैंने इसको कट करके रख दिया। बाबा को, मम्मा को, बाबा को, मामा को। किसका? नाम या वही कब बनाया आपने? आरिज तो और मैंने तो ब्रेकफास्ट कर लिया। आरिज ये क्या हो रहा है? आरिज आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था ना? आरिज ने और मैंने तो नाश्ता कर लिया, अब तुम दोनों करो। भिंडी है ये? नहीं। ग्रीन चिली। नामिया से ये वाले काम करवा ले, नामिया को इन कामों में बहुत मजा आता है। नामिया का ना स्टडी करने का दिल नहीं करता है ना नामिया? नहीं दिल करता ना? नहीं करता है। नहीं करता है। कोई नहीं करता, बस ये काम करवा लो नामिया से। ये काम नामिया को बहुत शौक से करना है। A few moments later. और यहाँ पे नामिया कर रही है अपने पेपर की तैयारी। नामिया मिस्टेक्स को 3 times राइट करो और जल्दी अच्छा अच्छा पढ़ो। ईवा की तो तैयारी हो गई है माशाल्लाह से, ईवा भी टेस्ट ही दे रही है। का पहला दिन है सिपारे का। आरे आप जाओगे सिपारा? वहाँ पे रोगे तो नहीं? और क्या पढ़ोगे? हाँ मैं वहाँ पे बोलूँगा। क्या पढ़ोगे बताओ तो? चलो बस रेडी हो जाओ। आज खाना क्या बनाऊँ मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। पहले से माइंड बना के रख लूँ ना तो सही रहता है। यहाँ ये बनाना है,
कुकिंग करना जो है वो मुश्किल नहीं है, लेकिन सोचना बहुत मुश्किल है कि आज पकाना क्या है। नामिया आज क्या बनाऊँ बताओ? अंडे आलू। बस अंडे आलू चिकन, बस यही चीज़ है। और ये बना लूँगी तो इनके बाबा डांटेंगे कि वेजिटेबल्स नहीं बनाती हूँ। देखें बनाती हूँ कुछ ना कुछ। मैं आप बना ले भिंडियाँ। भिंडियाँ पहले से लानी पड़ती हैं, उसको सुखानी पड़ती है। मटर सलाद। सुने आज मैं कुछ भी नहीं बना रही, आप बाहर से लिया। हाँ, सही है? है क्या लाएंगे बाहर से बताए ना। क्या खाना? हाँ क्या खाना है? मुझे जिंगर बर्गर खाना है, आपको पता है मैं जिंगर बर्गर ही खाती हूँ। अभी जाकर करो। चल चूटा। यहाँ मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी। मैंने प्याज ब्राउन कर ली है, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये टमाटर मैंने कट करके रखे हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला पहले मैंने। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये टमाटर। ये लामिया के बाबा को बहुत अच्छी लगती है। मैंने इसको मिक्स कर दिया प्याज के साथ। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये टीमी मिर्च और सॉल्ट टू टेस्ट नमक। ये देखें बस मैं इसको रख दूंगी अब ढककर। जब तक टमाटर ना गल जाए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा ये हमारे टमाटर की चटनी रेडी है, थोड़ी सी देखें लग भी गई है, ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें डाल रही है हरा धनिया। इट इज रेडी नाउ फ्रेंड्स। आप लोग ने कभी इस शेप की रोटी देखी है? केक वेक बना लेती हूँ। ये रोटी बनती हूँ उससे गोल। देखें टेढ़ा शेप किस शेप में बनी है। रोटी नहीं आती बनाना मुझे आज। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? यहाँ पे ये इम्तियाज देते हैं। तो ये पराठे मैंने बनाए जो मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा इसका मज़े का टेस्ट है। ये जो है ये न्यू लेकर आए बटर वाले हैं, और ये मैंने बनाए थे, ये बहुत महंगे वाली क्रीम पराठे। और कुछ चॉकलेट्स लेकर आए हैं, वो भी नाम है तो पता नहीं है। और इसको वरना तो अभी से सब फिनिश कर देंगे। और यहाँ आरएस क्या खा रहे हो आप? यहाँ हम सब एंजॉय कर रहे हैं पीनट्स। अभी मजा आएगा ना। वीडियो आप भी खाओगी ना? मैं आप भी खाती हो? चलो आरु आरु छिलके छिलके दे दी मैंने। छिलके समेत क्यों खा रहे हो? आरु आपको बाबा छिलके दे रहे ना। तुम आ गया, सारा कचरा नीचे करोगे। तो जैसा मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ये कोई जिंगर बर्गर लेकर नहीं आए और मैंने घर में ही खाना बनाया। ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ मैं लेकर आ जाऊँगा। हाँ कभी कभी खिला भी देते हैं, ऐसा भी नहीं है, खिला देते हैं बाहर ले जाते हैं। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि जब मैं बोलती हूँ ले जाते हैं। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि इनका भी मूड नहीं होता, थक जाते हैं जॉब पे से आके। तो ये है कि अच्छी बीवियों का फ़र्ज़ यही है कि अपने हस्बैंड की बात माने और घर में ही खाना बनाए। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा तो फ्रेंड्स खाना मैंने बना ही लिया। दिल तो नहीं चाह रहा था लेकिन बस बनाना तो था खाना। तो ये है कि मैंने बनाई टमाटर की चटनी और बच्चों ने पीनट्स भी इंजॉय करी। तो बस ये है कि अब इनको सुलाऊंगी। सुबह मंडे है, ये स्कूल जाएंगे बच्चे, पेपर होने नाम है बाकी। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे मेरे चैनल को, बस देखते हैं और मेरे चैनल पे से चले जाते हैं।
लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारा प्यार दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।